इंग्रेडिएंट्स देख के आपको समझ में तो आ गया होगा कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं बनाऊंगी राम लड्डू, जो मेरा तो बहुत फेवरेट है और आप सबका भी फेवरेट होगा ही। तो चलिए हम जल्दी से बनाते हैं राम लड्डू। यहाँ मैंने एक कप दाल ली है, इसको 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसका पानी निकाल के इसको ब्लेंडर में डाल देते हैं। ये मैंने 2 चम्मच चने की दाल ली, इसको भी भिगो दिया था, इसको भी डाल देते हैं। मैं 2 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। दही इसलिए ऐड किया जाता है जिससे कि आपका जो बैटर होगा वो बहुत फ्लफी बनेगा। अब जिंजर चिली भी ऐड कर देते हैं। अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। हमारा बैटर बन चुका है। ये ज़्यादा महीन भी नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है। आप ज़्यादा पतला बनाएंगे तो आपके जो बॉल्स होंगे वो फैल जाएंगे। अब हम इसमें अपना सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अनुसार, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, हींग ऐड करेंगे 1/2 चम्मच। अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेते हैं। इसको अच्छे से बीट करते जाएंगे, कम से कम 5-7 मिनट तक बीट करना है आपको, जिससे कि आपका जो बैटर होगा एकदम फ्लफी होगा। हमारा बैटर बीट हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल ऐड करेंगे। अब हम अपने फिंगर की हेल्प से छोटे छोटे बॉल्स डालेंगे। बॉल्स आप छोटे बड़े अपने हिसाब से कर सकते हैं। धीरे धीरे ऐड करते जाइए और गैस को स्लो रखिएगा। गैस को फास्ट रखने से आपके जो बड़े होंगे वो अंदर से कच्चे और बाहर से लाल हो जाएंगे। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक तलते फ्राई करते रहेंगे। गैस को स्लो फास्ट हल्का हल्का करते रहिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब हम अपने वड़े बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग सोडा ऐड करते हैं, तो मैंने यहाँ पे सोडा ऐड नहीं किया है, क्योंकि सोडा जो होता है वो ऑयल को बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए मैंने ऐसा सोडा अवॉइड करती हूँ। ये मेरे वड़े तल चुके हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर के उसमें। टिश्यू पेपर में निकालने से सारा जो एक्सेस ऑयल होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखिए, देखने में बहुत सुंदर बने हैं। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बाहर से कितने अच्छे बन रहे हैं और अंदर से भी सॉफ्ट हैं। ये जो जाली दिख रही है आपको, इससे पता चलेगा कि आपके वड़े तल चुके हैं। अब हम एक सर्विंग प्लेट लेंगे, इसमें अपने वड़े ऐड करेंगे। अब इसमें ग्रेटेड मूली ऊपर से गार्निश करेंगे, ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे, नॉर्मल वाला सॉल्ट ऐड करेंगे, चाट मसाला ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 3-4 चम्मच चटनी ऐड करेंगे ग्रीन वाली, आप वो कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसमें मीठी चटनी ऐड करेंगे इमली की, वो भी 3-4 चम्मच ऐड करेंगे। अब हम अपना गार्निश प्रोसेस फिर से वापस करेंगे। देखिए, हमारा राम लड्डू बनके तैयार हो चुका है गर्मा गर्म। अब हम इसको खाने के लिए रेडी हैं। मुझसे तो ये राम लड्डू देख के रहा नहीं जाना, मैं तो इसको फटाफट गर्म गर्म खाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से अपने घर में ट्राई करिए और हमें बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। बहुत टेस्टी बनी।